हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर के जवाहर मार्ग राज मोहल्ला क्षेत्र में बरसों पुराना बाबा कल्याण दास दरबार का आश्रम है। इस भवन का एक हिस्सा तो अत्यंत मजबूत है, किंतु दूसरा हिस्सा जो कि जवाहर मार्ग के मुख्य मार्ग की तरफ है, वह इतना अत्यधिक जर्जर हो चुका है कि अब सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए खतरा बन चुका है। भवन की छतों एवं गैलरियों से निकलने वाले सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के ऊपर गिरने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही होती है। लोक परिवहनों के साधनों के साथ यहां से बड़ी संख्या में स्कूल बसें भी गुजरती हैं। बड़ी संख्या में भवन के पास से ही लोग पैदल भी निकलते हैं। ऐसे में इस भवन का जीर्णोद्धार और सुधार कार्य अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा किसी भी दिन कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। इस संबंध में मीडिया ने जब बाबा कल्याण दास दरबार जवाहर मार्ग राज मोहल्ला के महंत जयेश दास उदासीन से चर्चा की तो उन्होंने भी भवन की जर्जर स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि बाबा कल्याण दास दरबार का यह भवन 1963 का है। पिछले कई वर्षों से इस भवन का हम बहुत कम उपयोग कर रहे थे। वर्ष में हम एकाध बार ही यहाँ पर कार्यक्रम करते थे, इसलिए हमने इस भवन का जीर्णोद्धार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह आश्रम सिंधी समाज की आस्था का केंद्र है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भवन में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, इसके लिए मरम्मत का कार्य भी करवा रहे हैं। देख रहे हैं जवाहर मार्ग राजमोहल्ला के पास में, यहाँ पर जो है आपका आश्रम बना हुआ है, गुरुमुख भवन भी यहाँ बना हुआ है और यह देखा जा रहा है कि अत्यंत जर्जर अवस्था में यह भवन दिखाई दे रहा है। अंदर बाहर दोनों तरफ से जर्जर हो चुका है।
क्या क्या कारण अभी तक ये ठीक नहीं हुआ, क्या व्यवस्था इसको क्या किस तरह से दे रही है? भैया ये जो अपना आश्रम है 1963 का बना हुआ है और ये आश्रम बारिश की वजह से पूरा खत्म हो चुका है। किसी वक्त भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, कोई भी जनहानि हो सकती है। हम लोग खुद लगे हुए हैं कि भाई कहीं से ईश्वर परमात्मा की कोई कृपा हो जाए तो इसको हमें थोड़ा सा बनाने में कोई सहयोग मिल जाए लोगों का, या समाज सेवक समाज सेवकों का कोई सहयोग हो जाए कि अपने कोई आश्रम बनाना है पूरे, क्योंकि हमारा सिंधी समाज का सबसे बड़ा आश्रम है और हमें ये आश्रम आगे चल के बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। क्योंकि पूरी की पूरी छतें लोगों के ऊपर गिर रही है, बहुत लोग शिकायत करने आते हैं पर हम भी मजबूर हैं, हाथ जोड़ के अपनी जान छुड़वाते हैं, कितने लोगों से हम लोग मगजमारी करें। क्या कारण है कि अभी तक ये जर्जर भवन ठीक नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण सामने? इसका कारण ये था, पहले तो ये जो आश्रम था ये मतलब अपने हिसाब से खाली पड़ा था, इतने सालों से खाली ही था। कभी कोई साल दो साल में अगर कोई कार्यक्रम वगैरह होते थे उसमें हम इस प्रमाइसेस को यूज़ करते थे और आए दिन ये मतलब हमारा नुकसान होता जा रहा है, कभी छतें गिर रही है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो अभी जब हम देख रहे हैं कि अंदर पीपल के पेड़ उग चुके हैं, कई छतें पूरी तरह से उनके सरिया दिख रहे हैं, पिल्लर ख़त्म हो गए हैं, क्या लगता है किसी भी रोज अगर कोई बड़ी जनहानि हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या भैया हम लोग तो खुद परेशान हो गए, आज अगर हम लोग सोच रहे हैं अगर कल को ऐसे नहीं हम कुछ अगर बनाते हैं तो कोई इस चीज़ का विरोध करता है या कोई न्यूसेंस करता है तो हम लोग क्या है सज्जन आदमी कहाँ जाएंगे, किस किन 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 लोगों से मगजमारी करेंगे? ये भवन जो है अत्यंत जर्जर हो चुका है, क्या नगर निगम ने इसको अभी तक खतरनाक भवनों की सूची में शामिल नहीं किया? नहीं, नगर निगम ने तो इसे खतरनाक भवन की सूची में शामिल नहीं करा है, पर हम लोग ये नगर निगम के अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि अगर हम इसमें कोई भी इसको रीसेट करके अगर थोड़ा बहुत अगर बना रहे हैं तो वो भी कृपया करके हमारा सहयोग करें।